नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू कुमारी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों, कुछ टाइम पहले, आज से 3 से 4 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि यूज़ की हुई चाय पत्ती की खाद कैसे बनाते हैं। बहुत लोग हैं जो यूज़ की हुई चाय पत्ती को डायरेक्ट अपने तुलसी के पौधे में या फिर बाकी जो और पौधे हैं उसमें डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि चाय पत्ती की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से पौधों में ग्रोथ होने की बजाय जो पौधे हैं जल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तुलसी के जो पौधे हैं वो तो सूख ही जाते थे, ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका था। तो बाद में मैंने देखा कि चाय पत्ती को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैंने दोस्तों उसका दूसरा तोड़ निकाला, वो निकाला कि चाय पत्ती को कभी भी डायरेक्ट अपने तुलसी में नहीं डालना चाहिए या किसी और पौधे में नहीं डालना चाहिए। चाय पत्ती को हमेशा दो तरीके से अपने तुलसी के अंदर यूज़ करना चाहिए। पहला, फ्रेश चाय पत्ती की टी बनाकर, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया है कि फ्रेश चाय पत्ती को कैसे यूज़ करें। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा फ्रेश चाय पत्ती का यूज़ कैसे करते हैं पौधों में, मैंने उसका तरीका बताया। और यूज़ करने के बाद मतलब उसकी टी बनाकर आप पौधों में यूज़ कर लो, लेकिन जो चाय पत्ती बच जाती है उसको कभी भी आपको अपने पौधों में डायरेक्ट नहीं डालना है। या फिर जब हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसको भी हमको डायरेक्ट कभी भी किसी पौधे में नहीं देना चाहिए। यूज़ की हुई चाय पत्ती को, यानी कि चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती होती है उसको आप कितना भी धुल लोगे तब भी उसमें से मिठास नहीं जाती है, उसके अंदर मिठास रहती ही रहती है। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, चाय पत्ती को पहले आप डीकम्पोस्ट करो, उसके बाद आप उसको पौधे में यूज़ करो। अगर आप अपनी चाय पत्ती को डिकम्पोस्ट करते हो और उसके बाद अपने पौधे में यूज़ करते हो तो दोस्तों उसका जो रिजल्ट है वो आपको चौंका देगा, आप देखकर खुद हैरान हो जाओगे। डिकम्पोस्ट करने के बाद दोस्तों जब हम चाय पत्ती को अपने पौधे में डालते हैं, एक तो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, दूसरा उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। डिकम्पोस्ट की हुई चाय पत्ती को अगर हम ज़्यादा भी दे देंगे तब भी पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है, भले डिकम्पोस्ट की हुई पूरी खाद को, चाय पत्ती की पूरी खाद में ही आप पौधा लगा दीजिए, आपका पौधा नहीं मरेगा बल्कि उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन उसके उल्ट जब हम चाय बनाते हैं और उसकी चाय पत्ती को अपने पौधों में यूज़ कर लेते हैं, तो जब चाय पत्ती की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारा पौधा जल जाता है, सूख जाता है, क्योंकि दोस्तों हमें पता नहीं होता है कि चाय पत्ती में कितनी मतलब चाय पत्ती हमको कितनी अपने पौधे में देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमको पता नहीं होता है कि चाय पत्ती कितनी हमको पौधे के अंदर देनी चाहिए। कभी तो हम कम दे देते हैं तो कभी हम ज़्यादा दे देते हैं, तो जब ज़्यादा देते हैं हमारा पौधा सूख जाता है। लेकिन डिकम्पोस्ट की हुई चाय पत्ती को आप कम ज़्यादा दे सकते हो, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये सामने जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये चाय पत्ती की खाद है और इसको कैसे बनाते हैं वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि चाय पत्ती को डिकम्पोस्ट कैसे करते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरी जो चाय पत्ती की खाद है बहुत अच्छे तरीके से बन चुकी है। अगर आप चाहो तो इसी के अंदर पौधा लगा दो, वो पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। और इसको यूज़ कैसे करना है, एक पौधे के अंदर आपको एक मुट्ठी इस कंपोस्ट को डालना है, ठीक है, इस चाय पत्ती की जो कंपोस्ट होती है उसको एक मुट्ठी डालना है। एक मुट्ठी डालने से इसका जो रिजल्ट है आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा और ये इतनी अच्छी खाद है कि आप डायरेक्ट इसमें कोई भी पौधा लगा सकते हो, उसकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की जो ये वीडियो है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको इसके अपडेट देना चाह रही थी कि देखिए मैंने जो चाय पत्ती की खाद पिछली बार मैं बना रही थी तो देखिए उसकी खाद कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है और कितनी भुरभुरी है। और इसको मैंने अभी छाना नहीं है, इसीलिए इसमें छोटे छोटे ये देखिए ये टुकड़े आपको मिल रहे होंगे, क्योंकि अभी मैंने इसको छाना नहीं है। बिना छाने आप इसकी देख सकते हो
ये देखिए कितना मतलब कितनी अच्छी खाद बनकर मेरी तैयार हुई है, एक भी चाय पत्ती का दाने इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसको ऐसे ढक्कन लगा के मैं स्टोर कर दूंगी, और जब जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब तब मैं अपने पौधे में दे दूंगी। इसको मैं मिट्टी की हांडी में रख रही हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो मिट्टी का हांडी होता है ये ठंडा रहता है और ये खाद को अपने अंदर बहुत अच्छे तरीके से रखता है। इसके अंदर जो खाद रहती है वो हमेशा ठंडी ही रहती है, ठीक है, इसके अंदर खाद कभी खराब नहीं होती है। तो इसलिए मैं मिट्टी के हांडी में ही हमेशा अपनी कोई भी खाद है मिट्टी के बर्तन में बनाती हूँ और मिट्टी के बर्तन में स्टोर करके रखती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, नॉलेजेबल लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियोस देखना चाहते हो मेरी तो मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।